नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जरी में काफ़ी बड़ा भाग जो है वो स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के इलाज का होता है, और इसका महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियाँ स्पाइन को प्रभावित करती हैं। विश्व में स्वास्थ्य के विषय में काम करने वाली संस्थाओं में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी संस्था है। WHO साल में एक दिन स्पाइन दिवस के रूप में मनाती है। सीराजम कंपनी, जिसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज आपसे बात करूं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है स्पाइन, इसको कई तरह से समझा जा सकता है। हम ये देखें कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आप मेरे पैर देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, शरीर में देख सकते हैं, सर देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये महसूस नहीं होता, प्रतीत नहीं होता कि ये सभी अंग जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? रीढ़ की हड्डी से। शरीर की एक्सिस मतलब जो धुरी है मध्य में बिल्कुल, वो स्पाइन है। तो इसका महत्व यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि सारा शरीर हमारा एक तरह से रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को संभालने के लिए बचपन से लेकर और मृत्यु पर्यंत ध्यान रखना पड़ेगा। भारत एक गर्म देश है, यहाँ पर लगभग 10 महीने 12 में से 10 महीने गर्मी रहती है, किसी ना किसी रूप से बारिश भी होती है, लेकिन सर्दी का मौसम बहुत छोटा हो गया है। इसलिए हम लोग गर्मी के महत्व को उतना नहीं समझते, क्योंकि हम लोगों को हमारा देश गर्म है, लेकिन ठंडे प्रदेशों के अंदर गर्मी को एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ माना जाता है। हम लोग भी गर्मी को प्रयोग में ला सकते हैं और करते हैं। आप लोगों ने सब ने ये देखा होगा कि हमको जब चोट लगती है या कोई मांसपेशी में चोट लगती है या कोई हम गिर जाते हैं, तो उस हिस्से को गर्म रखना जो है उससे हमको एक अच्छा आभास होता है और ठीक भी जल्दी होते हैं। तो सर्दी से बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर में जो ठीक होने की क्षमता है, जो रोग को हराने की क्षमता है, वो कम होती है। हमको अब अपने बाकी शरीर का ध्यान रखना चाहिए और गर्म रहना चाहिए ताकि हमको और बीमारियां ना पकड़ें। आराम करने से, व्यायाम करने से, मालिश करने से हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। कैसे होता है? अच्छी नींद, अच्छा कार्य, अच्छी गतिविधि, अच्छा भोजन, इन सब से हमारे शरीर में होता क्या है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो हमने बातचीत शुरू करी थी स्पाइन दिवस की, या रीढ़ के स्वास्थ्य के विषय में बातचीत शुरू करी थी, जिसपे हमको विशिष्ट रूप से अपने रीढ़ की हड्डी के विषय में सोचना चाहिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, मालिश करना चाहिए, गतिविधि करना चाहिए और आराम भी करना चाहिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम था या जो आज की बातचीत थी, वो विभिन्न विषयों के ऊपर छोटी छोटी बातचीत हमने करी है। अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या इसके विषय में और समझना चाहते हैं, तो YouTube पर कुछ वीडियो हैं हमारे बनाए हुए, जिनमें आपको और अधिक जानकारी मिलेगी रीढ़ के विषय में, उसकी बीमारियों के विषय में, और कैसे उनसे बचा जाए, कैसे उनका इलाज करा जाए और कैसे उसको स्वस्थ रखा जाए। धन्यवाद।